पर जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो लग रहा था वो डैमेज हुआ है पूरी तरह, ये खबर है। और एनटीपीसी का जो पहले से वहां पर एक प्रोजेक्ट तपोवन में जी हम 15-20 मिनट में उधर पहुंचेंगे तो फिर और जानकारी हमको मिल पाएगी। जी जी जी, ताकि पूरे वैदिक को अलर्ट कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया है, गृह मंत्री जी का भी फोन आया है, जल संसाधन मंत्री जी का भी फोन आया है, वो लगातार राज्य से संपर्क में, और उन्होंने एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया है। हमारी एसडीआरएफ वहां पहुंच चुकी है। बिल्कुल, लगातार हमने अभी आपका ट्वीट भी पढ़ा, आपने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। नुकसान अभी तक कितना हुआ है, क्या इसके बारे में जानकारी सर दे पाएंगे? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जानना चाहेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि लगातार टीमें तो वहां पर पहुंची हैं, नुकसान के बारे में कोई और जानकारी सर? त्रिवेंद्र रावत जिन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो पहुंच रहे हैं, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, टीमें लगातार वहां पर पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव का काम वहां पर अभी चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि तमाम वो इलाके जो गंगा किनारे पड़ते हैं वहां पर अलर्ट है, लगातार नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो भी बनाए हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल वो भी उसी जगह उसी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं जहां पर तबाही सबसे ज़्यादा हुई है, चमोली किरणी गाँव में। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, पानी अचानक बढ़ा और बहाव काफ़ी तेज़ था, नदी में अचानक पानी आने से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना भी है। इसके अलावा तटीय इलाके, लोगों को तुरंत हटने से कह दिया गया है कि तटीय इलाकों से तुरंत दूर चले जाएं, क्योंकि वहां पर तबाही हो सकती है। नदी के किनारे बसे जितने भी लोग हैं, इलाके, क्षेत्र, गांव जितने भी हैं, सभी को तुरंत अलर्ट पर कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री बस कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दिया जाए। तो ये बड़ा हादसा, जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही, बांध बह गया, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त, चमोली जिले के तपोवन इलाके में रणी गांव में बिजली परियोजना पर हिमस्खलन के बाद धौली गांव नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे मुख्यमंत्री, हमने कुछ ही क्षण पहले उनसे बात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जुड़ चुके हैं। अभी हालात क्या है सर, वहां पर खबर मिल पा रही थी कि आप भी पहुंच रहे हैं जोशीमठ, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? ठीक है, मैं भी ठीक, पीपल कोटी एक जोशीमठ से पहले एक कस्बा है बद्रीनाथ मार्ग पर, वहाँ उसके बिल्कुल वहां से निकल रहा हूँ। और इधर तो पानी जो है, जो पानी जो एवलॉन्च जो आया उसका पानी यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है अलकनंदा में, लेकिन इधर कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अभी जो पानी की, अभी जो पानी समय दिख रहा है, ये नहीं लगता कि इससे किसी तरह का नुकसान आगे होगा। जो जहाँ ये एवलॉन्च आया है ऋषि गंगा में, वहाँ पर जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो लग रहा था वो डैमेज हुआ है पूरी तरह, ये खबर है। और एनटीपीसी का जो पहले से वहाँ पर एक प्रोजेक्ट तपोवन में जी हम 15-20 मिनट में उधर पहुंचेंगे तो फिर और जानकारी हमको मिल पाएगी। जी जी जी, ताकि पूरे वैदिक को अलर्ट कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री बस कुछ ही क्षणों में वहां पहुंचने वाला है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जिनसे हम भी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। बताया कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव अभी फिलहाल सामान्य है। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट, योगी आदित्यनाथ ने भी गंगा किनारे बसे सभी जिलों में कह दिया है कि अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो वहां पर भी अलर्ट है। इसके अलावा आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान, एसडीआरएफ की 10 टीमें, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। कुछ और टीमों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर पहुंचाया जा रहा है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट
इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ है। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार सरकार ने जारी कर दिए। एक और हेल्पलाइन नंबर आया है 1905, इसके अलावा 1070, तीसरा हेल्पलाइन नंबर 9557444486। ये हेल्पलाइन नंबर जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया है, फंसे हुए लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अफवाहों से बचे, ऐसा खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भी वहां पर कुछ ही देर में। आपको बताएं कि हरिद्वार में भी कुंभ मेला चल रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने यहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया है। ऋषिकेश हरिद्वार तक हाई अलर्ट है। जनता से अपील की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। रवाना हो चुके हैं चमोली के लिए और बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहे हैं। एहतियातन भागीरथी नदी का पानी भी रोक दिया गया है, ये भी खबर वहां से आ रही है। एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है मौके पर, लगातार गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात की है। तो ये ताजा अपडेट जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो अभी कुछ देर पहले हमने बात की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से, उन्होंने कहा कि फिलहाल नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव थोड़ा सामान्य हो गया है, यानी जो नुकसान था वो इसके पीछे हुआ है, ज्यादा नुकसान हुआ है, और अभी ये लग रहा है कि इसके बाद अभी स्थिति को थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव उतना तेज नहीं है, बहाव सामान्य हुआ है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है। इसके अलावा देहरादून से भी टीम रवाना की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, जरा वो भी सुनते हैं। खबर मिली है उत्तराखंड में हादसा हुआ है, ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल रहे वहां पे, किसी को हानि ना पहुंचे। हम सब की तरफ से ये शुभकामनाएं उत्तराखंड के लोगों को। जोशी मठ पे जो हादसा की खबरें अभी अभी आई हैं, उसके लिए मैं अपनी संवेदना देता हूं। पीयूष गोयल को सुन रहे थे आप। बहरहाल ये बताएं कि बादल फटा और उस वजह से जोशी मठ में ग्लेशियर फटने की वजह से भारी नुकसान कई लोगों के, हालांकि अभी भी वहां फंसे होने की आशंका है। पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त। और इस बीच जो ताजा खबर है, जो अभी का अपडेट है, वो ये है कि नंद प्रयाग के आगे अलकनंदा नदी के बहाव फिलहाल सामान्य हो गया है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से जब हमने बात की, उन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी है कि बहाव अभी सामान्य है। लगातार प्रशासन मौजूद है वहां पर, हालात पर नजर बनाए हुए। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद है। इसके अलावा एयरफोर्स और आर्मी की भी मदद ली जा रही है। पर्वतारोहियों की एक टीम वहां पर पहुंची है। वो इलाके जहां पर पुल टूट चुके हैं, वो इलाके जिनका संपर्क टूटा है, वहां पर तुरंत से पुल बनाने का काम ये लोग करेंगे वहां पर, ताकि मदद पहुंचाई जा सके। जोशीमठ जहां पर बड़ा हादसा, ग्लेशियर फटने की वजह से भारी तबाही, बांध बह गया, कई लोगों के बहने की खबर है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के बहने की खबर है। तपोवन का इलाका जहां पर सुबह करीब 10:30 बजे ग्लेशियर फटने की वजह से बड़ी तबाही हुई, कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका वहां से खबरें भी मिल पा रही हैं, और ऐसी आशंका भी है। अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी में हिमस्खलन और बाढ़ के चलते आसपास के लोगों को फिलहाल लगातार हटाया जा रहा है, कई घरों के बहने की भी आशंका है। खुद मुख्यमंत्री कुछ ही क्षण में वहां पहुंचने वाले हैं। जोशीमठ से करीब बांध टूटने की ये खबर। इसके अलावा आईटीबीपी के जवान बचाव के काम में लगातार लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की और 3 टीमें अब से कुछ ही देर बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हो जाएंगी। खुद इसकी जानकारी मिल पा रही है। चमोली जिले के तपोवन इलाके में रैणी गांव में बिजली परियोजना पर हिमस्खलन का असर हुआ, जिसके बाद धौली गंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया, और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ऊपरी इलाकों की तरफ चले जाएं, सुरक्षित खुद को कर लें, सुरक्षित ठिकानों की तरफ तुरंत पहुंचे,
तबाही ग्लेशियर फटने की वजह से हुई है। श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत कई ऐसे इलाके, तमाम इलाके वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी बताया कि चमोली के रुणी गांव में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। नदी में अचानक पानी आने की वजह से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में भी काफी नुकसान हुआ है। तमाम जितने भी तटीय इलाके हैं, लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी के किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है वहां से। एसडीआरएफ की टीम जो पहुंच चुकी है मौके पर, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार हालात पर ट्वीट भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, खुद वहां पर पहुंच, वहां तक की पूरी जो आसपास की आबादी है, गांव है और लोग हैं, उन लोगों को अवेयर करने का और निकालने का काम भी, उसमें भी मदद कर रहे हैं हमारे जवान। किस तरीके से निकालने का जो प्रोसेस है, किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है? देखिए, सूचना एक अच्छी चीज़ ये होगी कि लोगों को समय रहते सूचना मिल गई। बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई थी तो ज़्यादातर लोग अवेयर हो गए थे। और नीचे की तरफ मैं बताना चाहूँगा, शायद जानवर माल का नुकसान कम हो। कई जगह पर बीच बीच में और रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर कि पानी शायद रुक जाए। ऊपर जो स्थिति थी, 10 मिनट के दौरान ही वो सारा पानी निकल के नीचे को आ गया था। तो अब पीछे की तरफ, यानी कि मैं बताऊंगा, नॉर्थ के साइड में वैसा खतरा नहीं है जैसा कि पहले असेस किया जा रहा था। और जहां जैसे हमारी बात हुई है, अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। कुछ देर पहले हमने भी बात की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से, उन्होंने भी यही बात बताई कि नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव अभी सामान्य हो गया, जिसका सीधा मतलब ये समझा जाए कि स्थिति अभी कंट्रोल में है। और वहां पर राहत और बचाव में लगे लोग भी यही बता रहे हैं कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। ऊपर की तरफ जहां पर ग्लेशियर फटा था, वहां पर 10 मिनट के अंदर ये बहाव सीधा नीचे की तरफ आया, और वहां पर भी अभी स्थिति कहा जा रहा है कि अभी ठीक है, सामान्य है। लेकिन इस बीच राहत और बचाव का काम लगातार जारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बह गए हैं, लोग कहीं लापता बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की है, हर तरह की संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। साथ ही साथ अभी अब से कुछ ही देर बाद हिंडन एयरबेस से एयरफोर्स की मदद से भी एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया जा रहा है, तुरंत वहां पर पहुंचेगी। आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान हैं जो लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम, 10 टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की टीमों को काम पर लगा दिया गया, रेस्क्यू काम में जुटी हुई हैं। इसके अलावा कुछ और टीमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच रही हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और इसी के मद्देनजर सरकार ने वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर्स 1070, इसके अलावा 9557444486, ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां से पूरी जानकारी ली जा सकती है। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं, किसी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। लगातार टीमें मदद के लिए पहुंच रही है वहां पर। खुद मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं चमोली के लिए। उन्होंने कहा अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। इस बीच इस सारे अपडेट और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तबाही कितनी वहां पर हुई है, भरभराकर किस तरीके से बर्फ का पहाड़ गिर गया, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटा, धौली गंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। चमोली के तपोवन इलाके में ये घटना हुई है। और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की वो तस्वीर जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, और यहीं पर काम कर रहे थे मजदूर जो लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इस इलाके में जो नदी के किनारे बसे हुए घर थे, वो भी पानी में बह गए। आसपास के गांवों को अभी खाली करवाया गया है। ऋषि गंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम में भी क्षति हुई है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि अभी का जो अपडेट है, स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है। तो आपको बता दें कि अभी तक की जो बड़ी खबरें आ रही हैं, लगातार हम भी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में तबाही हुई है। एनडीआरएफ की टीमें हिंडन से विमान के जरिए वहां पर पहुंच रही हैं। एसडीआरएफ की 10 टीमें मौजूद है। आईटीबीपी के 200 जवान लगातार बचाव में जुटे हुए हैं, राहत के काम में जुटे हुए हैं।
हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर हर जगह पर अलर्ट कर दिया गया है। भारी तबाही, अभी तक का अपडेट आपको दे देते हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, कई मजदूर बह गए। हालांकि अभी तक संख्या के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपील की है कि पुराने वीडियो अफवाहें ना फैलाएं। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ट्वीट किया, कहा कि घटनास्थल पर वो भी पहुंच रहे हैं, कुछ ही क्षण में वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। आईटीबीपी की राफ्टिंग टीम भी रेस्क्यू में तैनात है। ऋषिकेश में राफ्टिंग करने वालों को नदी से हटने के लिए कह दिया गया है। मलारी में सेना की पोस्ट को जोड़ने वाला पुल बह गया। तबाही का ये पूरा अपडेट आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने बात की है, आईटीबीपी से भी लगातार उन्होंने बात की है। एनडीआरएफ की और टीमें यहां से रवाना हो रही हैं। हिंडन एयरबेस से विमान के जरिए उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा। राहत और बचाव के काम में जुटी हुई एसडीआरएफ की टीम, 10 टीमें तैनात हैं। आईटीबीपी के 200 जवान वहां पर तैनात हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये अभी तक का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 4 तस्वीरें, ग्लेशियर टूटा, नुकसान कितना हुआ है वो भी लगातार बता रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मोर्चे पर है, राहत और बचाव का काम कर रही है। पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया, ये उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी तक का अपडेट जो लगातार आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, चमोली जिले में ग्लेशियर टूटा और उसके बाद धौली गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा। चमोली के तपोवन इलाके में घटना से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। काम करने वाले मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। नदी के किनारे बसे घर बह गए, कई लोगों के बहने की खबर है। आसपास के तमाम इलाकों को, गांव को खाली करवा दिया गया है। हरिद्वार तक अलर्ट है। अभी की जो स्थिति है, जो खुद मुख्यमंत्री ने आज तक से खास बातचीत में बताया है कि नंदप्रयाग के आगे अलकनंदा नदी का बहाव फिलहाल सामान्य हो गया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से फोन पर संपर्क में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि गंगा किनारे बसे सभी जिलों को अलर्ट पर रखा जाए, नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जाए। राहत और बचाव की लिए लगातार टीमें वहां रवाना हो रही हैं। आईटीबीपी के 200 जवान, एसडीआरएफ की 10 टीमें, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। कुछ और टीमों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रवाना किया जा रहा है। हिंडन से हेलीकॉप्टर रवाना हो रहे हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, 1070-955-744-4486। ये हेल्पलाइन नंबर्स है जो कि जारी किए गए हैं। सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। कुंभ मेला हरिद्वार में चल रहा है, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन भागीरथी नदी के पानी को भी रोक दिया गया है। अभी तक का अपडेट जो लगातार आज तक पर हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे, लगातार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई मजदूर गायब बताए जा रहे हैं। अभी तक उनके बारे में जानकारी नहीं है। खबर ये मिल रही है कि वो बह गए हैं। राहत की टीमें लगातार मौके पर पहुंच रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन इस बीच ये वो तस्वीर देखिए जो ग्लेशियर फटा था। जानकारी मिली जिसके बाद काफी हद तक लोगों को तुरंत सूचित कर दिया गया। लोगों को इसके बारे में तुरंत सूचना दी गई, समय रहते लोगों तक जानकारी मिली और इसीलिए नदी किनारे बसे तमाम गांव इलाकों को खाली करवाया गया। बार बार लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, अलर्ट पर रहे। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की है। गृहमंत्री ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी के डीजी से भी बात की है। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। रेड़ी गांव के पास ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद ये भारी तबाही, कई घरों को नुकसान पहुंचा। कुछ ही देर में खुद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं मौके पर। प्रोजेक्ट का काम कर रहे मजदूर बह गए हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। मलारी को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ सभी टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ा पार्टन का है।
उड़ गए। एनडीएमए के सदस्य राजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर अभी का अपडेट अगर आप दे पाए, अभी हालात क्या है वहां पर? देखिए अभी जो है जहां तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो वहां पहुंच रही हैं, एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं, आर्मी मोबिलाइज हो चुकी है, आईटीपीपी ने अपनी टीमें भेज दी हैं और एयरफोर्स ने 3 अपने हेलीकॉप्टर जो है सरसावा में रेडी रखे हुए हैं। इनकेस अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो उसमें से भी टीमों को जो है हम वहां तक लेके जाएंगे। अभी चमोली से नीचे ये पानी आ चुका है, जैसे जैसे ये पानी जो है नीचे नदी के मुख से जैसे बड़ा बड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, पानी जो है ये कम होता जा रहा है, बहाव कम हो रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है काफी कुछ नॉर्मल में है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द बाय द टाइम ऑफ शाम तक जो है हमें पता लग जाएगा कि क्या नुकसान हुआ है। बिल्कुल, अभी अभी आप यानी कि ये बताना चाह रहे हैं राजेंद्र जी कि फिलहाल जो पानी चमोली के नीचे की तरफ आ गया है वहां पर अभी स्थिति कंट्रोल में है? स्थिति कंट्रोल में लग रही है क्योंकि अभी नदी का जो मुहाना है वो चौड़ा हो रहा है और पानी जो है वो फैलाव है, तो किसी भी हालत में अभी पानी जो पीछे से जो आना है तो पीछे से पानी अभी आना बंद हो गया है। क्योंकि अगर आप ग्लेशियर भी देखते हैं तो ग्लेशियर का जो भाग टूटना था और पानी जो जमा होना था वो पानी जमा हो करके एक फ्लो में जो है एक बहाव में नीचे की तरफ आ गया है, उसके पीछे से पानी आने के लिए और पानी नहीं है। जितना पानी था वो पानी एक बहाव में आ गया है और ये पानी जब जब नीचे और नीचे आएगा ये और चौड़ा मुख जो है इसका होता जाएगा, पानी कम होता चला जाएगा। तो इसके बाद की स्थिति के बारे में भी बताइए, अगर अभी हम ये माने कि वहां पर पानी थोड़ा कम हुआ है तो इसके बाद के जितने भी इलाके हैं क्योंकि वहां पर भी अलर्ट है, वहां पर किस तरह की स्थिति होगी अभी आने वाले कुछ और घंटों में? देखिए अभी इसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ आईटीपीपी आर्मी इन सब लोगों की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां कुछ देर में पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे स्थिति का आकलन होगा हम आपको जो है पूरी इसकी जानकारी देते रहेंगे। जी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें आप बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और सर एक और खबर दे दीजिए हमें कि आसपास के काफी ऐसे गांव हैं जिसको नुकसान पहुंचा है, कुछ नंबर्स कुछ आंकड़ा अगर आप दे पाए वहां से। देखिए अभी तक जो आंकड़ा है वो लगभग 150 लोगों की इसमें जो है जान जा चुकी है, ये जो खबर अभी तक हमारे पास है 150 के लगभग लोगों ने जो अपनी जान इसमें गंवाई है, लेकिन अब जैसे ही अपडेट वहां से और अपडेट आएगा हम आपको इसके बारे में सूचित कर देंगे। ये वो लोग हैं जो कि पावर प्रोजेक्ट के काम में लगे हुए थे, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के काम में लगे थे? जी हाँ, जो ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो तपोवन में है ये उसमें लगे हुए थे और मेरे ख्याल से उन्हीं को जो है ज्यादा नुकसान हुआ होगा और उसके आस पास के गाँवों का अभी नुकसान का जो है जायजा हमारे पास नहीं आया है, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। यानी ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, 150 लोग जो कि उस पावर प्रोजेक्ट के काम में लगे थे उनके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं और गांव के बारे में अभी तक नंबर्स नहीं मिले हैं? बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी कुछ और अपडेट हो तो सर बताइए। बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, एनडीएमए से राजेंद्र सिंह जिनसे हम बात कर रहे थे बड़ी खबर उन्होंने दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने बताया कि 150 लोग जो कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर उस वक्त काम कर रहे थे लापता हैं। ये बड़ी खबर वो बता रहे हैं, 150 यानी अभी तक जो 50 का आंकड़ा था वो बढ़कर अब 150 हो गया है, ये बड़ी खबर। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पानी निचले इलाकों की तरफ आ रहा है, अलकनंदा से आगे बढ़ा चमोली और चमोली से आगे श्रीनगर की तरफ आ रहा है, वहां पर अभी स्थिति कहा जा रहा है कि थोड़ी नियंत्रण में है लेकिन अभी भी आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फंसे लोगों की मदद के लिए लगातार हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। इस बीच एसडीआरएफ एनडीआरएफ आईटीबीपी सेना सभी की मदद ली जा रही है। तो बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।